हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हमारे सबके बीच में आई हैं। हम करतल ध्वनियों के साथ इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भाइयों, 26 तारीख आ रही है और 26 तारीख को आपके मत से फैसला होना है। इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकना है जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, किसानों को जलील कर रही है, माओवादी, डाकू, अत्याचारी और पता नहीं क्या क्या कह रही है। और मैं समझता हूं कि आज समय बदल चुका है, लोग समझ चुके हैं कि 10 साल से मोदी जी केवल जुमले देने का काम करते हैं, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। इनकी गारंटियां सारी फेल हो चुकी हैं। राजस्थान में पिछले 5 साल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने जो 10 गारंटियां दी हैं, वो गारंटी मोदी की एक भी गारंटी वैसी नहीं है। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जिन 5 मुद्दों को लेकर के युवा, श्रमिक, किसान और सबके लिए जिस प्रकार से भागीदारी के लिए उन्होंने पूरे देश में यात्रा की है, आज पूरा देश राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी के साथ कांग्रेस को मजबूत करने में लगा हुआ है। इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि ये बहुत हो चुका है, 10 साल दे दिए, 3650 दिन इनको दे दिए, इसके बावजूद एक भी काम इन्होंने ढंग से किया नहीं है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि 26 तारीख को जो बैलेट पेपर मशीन आएगा उसमें 2 नंबर के ऊपर वैभव गहलोत जी का नाम आएगा, आगे इनकी फोटो आएगी, फोटो के आगे हाथ का निशान आएगा और निशान के आगे एक नीलो बटन आवेगा, भी नीला बटन ने अत्ते जोर से दबाओ, इतने जोर से दबाओ कि भी मैं चू बोले और चूबक के सागे जालोर सिरोही से वैभव गहलोत एमपी बने और बीजेपी के कैंडिडेट का मोरिया बोले। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगो मोरियो, बीजेपी को मोरियो बोलेगो, हाथ खड़े कर प्रियंका जी ने विश्वास दिलाओ कि मोरियो बुला देगा, वैभव गहलोत ने एमपी बना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डोटासरा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा राजस्थान